दोस्तों आज से बचे हुए हैं 15 दिन और आज से 15 दिन बाद आप इस स्टेडियम में देखेंगे इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का फर्स्ट T20 मैच जो कि पहली बार ग्वालियर शहर में होने जा रहा है। दोस्तों सिंधिया जी का सपना पूरा होने जा रहा है और ग्वालियर वासियों का सपना पूरा होने जा रहा है। 14 साल बाद इस स्टेडियम में कोई पहला ऐसा मैच जो है अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला जाएगा। दोस्तों यह बहुत ही अच्छी शुभकामनाएँ हैं, बहुत ही अच्छी खबर है हमारे लिए कि हमारे शहर ग्वालियर में जो है पहली बार 14 साल के बाद कोई मैच होगा और उसकी टिकट भी दोस्तों एक दिन के अंदर पूरी बिक गई हैं। टिकट दोस्तों 1 से 2 घंटे में ही बिक के तैयार हो गई थी क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमांड थी इस मैच की और टिकट जैसे ही ओपन हुई तुरंत टिकट बिकना चालू हो गई थी। दोस्तों हमने भी टिकट बुक कर ली है और आपको दिखाएंगे सबसे ऊपर वाले स्टैंड से पूरा मैच कैसा दिखेगा, कैसा होगा, आपकी सारी जानकारी हम आपके साथ में शेयर करेंगे दोस्तों। लेकिन साथ ही साथ हमारे साथ में एक बुरी खबर ये है कि इसके पास में जो नाला बहता है दोस्तों वह नाला अभी पिछले दिनों से बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, 4 से 5 दिन तक लगातार उसी नाले में जो है पानी बहुत ज़्यादा भर गया और वह पानी जो है स्टेडियम में आ गया है। तो दोस्तों इस चक्कर में अभी पिच को देखेंगे यहाँ पर सुखाया जा रहा है क्योंकि यहाँ पानी बहुत ज़्यादा भर गया था, पिच में नमी आ गई थी, ग्राउंड में पानी आ गया था और स्टेडियम के आसपास की जो दीवारें होती हैं वो सब टूट गई थी। तो इससे देखते हुए ऐसा लग रहा है कि यहाँ मैच में कोई रुकावट तो नहीं होनी चाहिए क्योंकि उससे पहले अगर बारिश नहीं होती है तो इसे पूरा सुखा लिया जाएगा और स्टेडियम को पूरा अच्छे तरीके से साफ कर लिया जाएगा। लेकिन फिर भी नमी दोस्तों काफ़ी हद तक है और इसमें ड्रेनेज सिस्टम भी लगा हुआ है जिससे पानी बाहर भगाया जाएगा और दोस्तों इसके बाद में जो है गड्ढे वगैरह किए जाएंगे स्टेडियम के आजू बाजू में जहाँ से पानी को बाहर निकाला जाएगा। दोस्तों अक्सर ग्वालियर में इतनी बारिश होती नहीं है कि स्टेडियम में पानी भर सके या पूरे ग्वालियर शहर में पानी भर सके, लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा ही बारिश हो गई, लगातार 4 से 5 दिन तक पानी गिरता रहा जिसके कारण से है वहाँ पे जगह जगह में पानी भर चुका है पूरे ग्वालियर शहर में। उसी का नतीजा हम देख रहे हैं कि स्टेडियम में भी हमको पानी वगैरह दिख रहा है। तो दोस्तों चलिए अब बात करते हैं स्टेडियम की, देखेंगे आप यहाँ पर स्टेडियम बन के काफ़ी हद तक तैयार हो चुका है और यहाँ पे पहले MPL के मैच भी हो चुके हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा भीड़ भाड़ से भरे रहे और यहाँ पे कुछ लड़ाइयाँ वगैरह भी हो गई थी। लेकिन अभी इस मैच में ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे आपको आर्मी वगैरह देखने को मिलेगी, यहाँ पे SP DSP DIG कलेक्टर सभी ने जो है यहाँ पे विजिट की है, स्टेडियम को देखा है और रखरखाव की चीज़ें को यहाँ पे ध्यान में दिया गया है और इसकी सिक्योरिटी के लिए पूरा ध्यान दिया गया है। दोस्तों साथ ही साथ बताते हैं कि आपको टीम इंडिया यहाँ पर जो है वो 3 तारीख को आ जाएगी और इसी स्टेडियम में आपको प्रैक्टिस सेशन भी देखने को मिलेगा। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि जब यहाँ पर प्रैक्टिस वगैरह चलेगी तो आम आदमी का आना बिल्कुल मना होगा और साथ में यहाँ पर उनकी पूरी सिक्योरिटी वगैरह रखी जाएगी। और साथ ही साथ बता दें दोस्तों यहाँ पर पार्किंग के लिए पीछे जगह दी गई है जहाँ पर भी पानी बहुत ज़्यादा भरा हुआ है। और दोस्तों मैच तो होने में 15 दिन बचे हैं लेकिन काम काफ़ी कुछ ज़्यादा हमें लग रहा है क्योंकि ना ही पार्किंग ढंग से है और ना ही यहाँ पे पानी वगैरह सूखा हुआ है। लेकिन यहाँ पूरी तैयारी की जा रही है, पूरे तरीके से पिच को ड्राई किया जा रहा है और हम आशा करते हैं कि 15 दिन में सारे काम आसानी से हो जाएंगे। अगर बारिश बीच में फिर से नहीं होती है तो मैच देखने में काफ़ी मज़ा आने वाला है। दोस्तों देखेंगे यहाँ पर पूरे बॉक्स और पूरे पवेलियन एंड के नाम भी रख दिए गए हैं जो कि आप सामने देख रहे हैं। अगर हम एंड की बात करते हैं दोस्तों सबसे ऊपर आप देखेंगे वह रेगुलर एंड है, प्रीमियम रेगुलर एंड है, उसके नीचे आपको स्काई देखने को मिल जाता है, बीच में VIP लॉन्च देखने को मिल जाता है, उसके आइट साइड में लेवल 1 मिल जाता है और नीचे जो आप ग्रीन देख रहे हैं उसका नाम उसको जो है लेवल 0 रखा गया है। लेकिन ग्रीन वाली जो सीटें हैं दोस्तों वह पहले से प्रिजर्व हो चुकी हैं जो कि स्टूडेंट के लिए हैं और डिसेबिलिटी पर्सन के लिए हैं। साथ ही साथ आप यहाँ देखेंगे यहाँ पर फॉग वगैरह दिया जा रहा है, यहाँ पर जो कीड़े वगैरह होते हैं शाम के टाइम पे अक्सर स्टेडियम देखने को मिल जाते हैं उन्हें मारा जा रहा है और पिच को भी यहाँ पर ड्राई किया जा रहा है। दोस्तों तैयारी तो बहुत ज़ोर शोर से की जा रही है, आम आदमी का अंदर जाना मना है, यहाँ पे लोग हर बार कोई ना कोई आते जा रहा है और स्टेडियम का परीक्षण लेते जा रहा है। दोस्तों मैच देखने में काफ़ी अच्छा मज़ा आएगा क्योंकि स्टेडियम जो है ऑलमोस्ट पूरा भर चुका है, पूरे टिकट सोल्ड आउट हो चुकी हैं, अब एक भी टिकट इसमें बची नहीं है जो कि यहाँ पर हो। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होने वाली है, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, आशा करते हैं कि ऐसा कोई भी अनहोनी ना हो जैसे कि बारिश वगैरह ना हो, पानी वगैरह यहाँ पे ना भरे और हमें जो है पहली बार यहाँ पे मैच देखने को मिले। तो मैच स्टार्ट होगा 7 बजे शाम से और यहाँ पे एंट्री शुरू हो जाएगी 5 बजे से। अगर आप घर से निकलना चाहते हैं तो थोड़ा जल्दी निकलिए क्योंकि भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा होगी, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होगा। आप जो आगरा मुंबई हाईवे देख रहे हैं यह पूरा यहाँ पर भीड़ से भरा होगा, तो आपको घर से कम 3 बजे निकलना होगा, 3 से 4 बजे, ताकि आप जो है मैच शुरू होने से पहले एंट्री ले सकें और खिलाड़ियों को प्रैक्टिस करते हुए भी आप उस दिन देख सकते हैं। उससे पहले आप खिलाड़ियों से मिल भी नहीं सकते हैं ना ही उनको देख सकते हैं। देखेंगे दोस्तों यहाँ पर पूरा धुआं धुआं दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर कीड़े वगैरह का मारा जाता है, पिच में जो कीड़े वगैरह होते हैं, ग्रास में जो कीड़े वगैरह होते हैं उनका भगाया जाता है और पिच को ड्राई किया जाता है। दोस्तों यहाँ पे आपको सुविधाएं सारी मिलेंगी, प्लेयर के लिए सारी सुविधाएं हैं। अगर हम गेट की बात करें तो यहाँ पे 1 और 2 गेट आपको इस साइड देखने को मिल जाता है,
जो कि हम आपको जूम करके दिखा रहे हैं। यहाँ से जो है एंट्री होगी साउथ कॉलोन एंड वालों की, और नॉर्थ वाले की होगी 3 और 4 से। बाकी पार्किंग के लिए आप देखेंगे तो वहाँ 6-7 गेट नंबर जो भी जिसको दिया गया है, वहाँ से अपनी कार वगैरह लेके आएंगे और पार्किंग में देख सकते हैं। तो दोस्तों यह है नॉर्थ एंड, यहाँ पे आपको नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट दो एंड देखने को मिल जाते हैं। साथ ही साथ में आपको ईस्ट और वेस्ट जो कि नॉर्मल एंड होते हैं वो देखने को मिल जाते हैं, और साउथ पोलन एंड देखने को मिल जाता है। अगर हम टिकट की बात करें दोस्तों तो टिकट यहाँ पर जो है 900 रुपये से स्टार्ट हुई हैं और 5,500 तक गई हैं। बाकी यहाँ पर GST वगैरह सब यहाँ पर चार्ज लगता है, उसको मिला के यहाँ पर टिकट का प्राइस जो है बढ़ जाता है। और दोस्तों इस टाइम जो है पूरी टिकट सोल्ड आउट हो चुकी है, तो यहाँ पर इस टाइम पूरा खचा खच भरा रहेगा। और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इस मैच को देखने के लिए यहाँ पर कम से कम 30,000 लोग ज़रूर आएंगे। दोस्तों देख सकते हैं ये पिच रही हमारे सामने जो कि बनके तैयार है, और साथ में नेट प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे 2-3 पिच और बनाई गई हैं। अगर हम पिच की बात करें तो पिच जो है दोस्तों भाई काली मिट्टी की है, और काली मिट्टी की पिच जो होती है वो हाई स्कोरिंग पिच होती है, तो आपको यहाँ पर चौके छक्के की बरसात भी देखने को ज़रूर मिलेगी।